Welcome to the Nike Vlogs, guys. Come on. You're a superhero. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्लू मॉर्मोन रिसोर्ट. आज है 24 अप्रैल एंड सुबह के बज रहे अराउंड 12:30 एंड वी हैव अ न्यू गेस्ट विद अस. अकेला नहीं है और दो लोग आए, शुभम और धरन भी. और कल रात को अचानक एक्चुअली प्लान हुआ, मैं तो पहुँच गए थे, हम लोग तो घर वाले पहुँच गए थे, बट रात को बस अचानक से बात हुआ एंड मैं बोला कि आ जाओ, वैसे भी और एक दिन यहाँ पे रुकना ही है. तो रात को ही वो लोग निकले अराउंड 12:30 अराउंड कुछ निकले तुम लोग 11:30 एंड 3:30 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है एंड कुछ टाइम के बाद यहाँ पे घाट सेक्शन चालू हो जाते हैं, थोड़ा रिस्की है, बट पहुँच गए वो लोग अच्छे से. सो आज का कुछ प्लान है नहीं, वैसे प्लान तो है कि सबसे मेजर अट्रैक्शन जो है यहाँ पे भीमा शंकर का वापिस जाना है, बट लेट्स सी कि अभी कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे अभी तो खाना है. इट्स अराउंड 12:30 नाउ एंड सबसे ज़्यादा तो जब भूख लग रहा है, क्योंकि रात को कुछ खा नहीं पाए. मैंने खा लिया था, ये लोग कुछ खा नहीं पाए, तो दिक्कत वापी है. बस अभी ये लोग दोनों अंदर गेम जोन में है, सो अंदर चलते हैं गेम जोन में एंड मैं बताऊँगा आज धीरे धीरे आज क्या हो रहा है दिन भर में. सो लेट्स सी एंड वी हैव अ कंपेनियन ऑल्सो विद अस. क्या नाम है उसका? इसका बॉश नाम है ना? क्या बॉश? बॉश उसका पता नहीं है नाम मेरे को. बहुत अच्छा कंपनी ने काटना ले चले. और ज्यादा कुछ है नहीं अभी, सबसे बड़ा एक चीज मेरे को पहले ओवरव्यू देना है. ए यश यार, पहले शूट कर लेते, क्या बोलता है? सबसे पहले तो ओवरव्यू देना है मुझे आज, क्योंकि कल रात को रह गया था मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सनडाउन होने के कारण. सो अभी थोड़ा बहुत रिव्यू देंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने अलग अलग वैराइटीज़ के प्रॉपर्टीज़ हैं. सो चलिए दिखाते हैं. ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम हैं ब्लू मॉर्मोन रिसोर्ट में एंड ये उसका कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे, इसका ये मेन एंट्रेंस है, बट इसके पीछे वाला जो गेट है वो उसका मेन एंट्रेंस है. यहाँ से हम गाड़ी वगैरह यहाँ से हम एंटर करते हैं. सो वो ऐसा कुछ उसका मेन एंट्रेंस है एंड जस्ट उसके नेक्स्ट लेफ्ट में हमारा है प्ले एरिया, गेम जोन, जो चिल्ड्रंस पार्क है यहाँ पे, वो भी मैं धीरे धीरे आपको जाके दिखाऊंगा. बट सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पे ये रिजॉर्ट में कितने वैराइटीज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये हमें ऑफर कर रहे हैं एंड हम कहाँ पे रह रहे हैं, इनका किचन सेक्शन कहाँ पे, इनका रिसेप्शन कहाँ पे, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं एंड धीरे धीरे हम लोग बताते हैं आपको कि ये एरिया में और क्या क्या देखने लायक है. चलिए चलते हैं. अभी हमने एंट्रेंस कर लिया है रिसोर्ट के, सबसे पहले आपको एक्सट्रीम लाइट में जो नेक्स्ट राइट है उसका, यहाँ पे पूरा स्टोर रूम है, यहाँ पे सब जो भी वर्कर्स वगैरह है यहाँ पे वो लोग रहते हैं एंड खाना वगैरह जो भी इन लोग का जो रहता है, प्रिपरेशन हो गया या फिर उनका जो भी मटेरियल्स वगैरह रहता है, ये सब अंदर रहता है. सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यहाँ पे इनका रिसेप्शन, बहुत ही प्यारा रिसेप्शन है. ब्लू मॉर्मोन ये है उनका रिसेप्शन एरिया. एक्चुअली देख के लगता नहीं है कि रिसेप्शन एरिया है, बट क्योंकि ये बाकी प्रॉपर्टी से ज्यादा सबसे ज्यादा बड़ा यही है इनका रिसेप्शन एरिया. एंड अंदर जाके देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक रिसेप्शन टेबल, उसके अंदर रेस्टोरेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है. जो भी आपको खाना पीना रहेगा, जो भी सब कुछ रहना रहेगा, आप प्रायर इनको आप बता देना कि हमें ये खाना है, ये लोग ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके रख देंगे जो जो आपको टाइम पे चाहिए. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लू मॉर्मोन एग्जैक्टली ये है क्या. एक्चुअली ये जो एरिया है भीमा शंकर, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है ब्लू मॉर्मोन, उसके नाम के ऊपर ही इन्होंने रिसोर्ट का नाम रखा गया है. सो बहुत बढ़िया है, चलिए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं कि रिसेप्शन एरिया भी कैसा है.
ब्लू मॉर्मन रिसॉर्ट हे एक्झॅक्टली कोणत्या नावाने तुम्ही हे बेस केले? ब्लू मॉर्मन म्हणजे एक बटरफ्लायची स्पेसिस आहे. ओके. तिचं सायंटिफिक नाव आहे पॉप्युलर पॉलिगोनिस्टर. हो. आणि ती भीमाशंकर मध्ये पाहायला मिळते, रिअर आहे. ओके. दुसरी गोष्ट, आता दिल्लीमध्ये आपलं हे झालं होतं प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्त. ओके. तिथंही आपलं ब्लू मॉर्मन महाराष्ट्रातलं हे बटरफ्लाय आहे ते दाखवण्यात आलं होतं. ओके. आणि दुसरी गोष्ट अशी, ते 1 ते 7 जून याच्यामध्ये हे बल्कमध्ये मिळतं आणि एरवी ते रिअरली सिंगल याच्यामध्ये मिळते, कारण तो सीझन त्याचा ब्रीडिंग सीझन असतो. ओके. आता बघायला भेटू शकतं का आपल्याला ब्लू मॉर्मन? आता जस्ट आता इथून पास जे झालं ते ब्लू मॉर्मन. ओके. एक्झॅक्ट कलर तुम्ही सांगू शकता ब्लू मॉर्मनचा कसा दिसतो? त्याचा जो बाहेरचा शेप आहे वेल्वेटच्या कपड्यासारखा एकदम डार्क ब्ल्यू शेड असते, त्यामध्ये ऑफ व्हाईट आणि ब्ल्यू असे मिक्सचर असते. ओके ओके ओके. आणि त्याची फुल फ्लेज साईज जवळपास 6 इंचापर्यंत. 6 इंचापर्यंत. आणि मला सगळ्यात सांगा की हा एक्झॅक्ट लोकेशन कुठे आहे या रिसॉर्टची? भीमाशंकर पासून 9 किलोमीटर. ओके. मेन रोड सोडून 2 किलोमीटर आतमध्ये आहे. आतमध्ये घेण्याचं कारण असं की याला व्हॅली व्ह्यू आहे, पाठीमागे लेख व्ह्यू आहे आणि सगळ्या साईडकडून डेन फॉरेस्ट आहे, म्हणून हे आपण 2 किलोमीटर रस्ता सोडून आतमध्ये. ओके ओके ओके. आणि मला सगळ्यात अगोदर सांगा की तुम्ही या रिसॉर्टमध्ये आपल्याला काय काय बघायला भेटतं? तर तुम्ही वाईल्ड लाईफ जर म्हणसाल तर आपल्याकडे सांबर डियर. ओके. त्याच्यानंतर हायना मिळतो. ओके. फॉक्स आहे. त्याच्यानंतर बिबटे देखील बघायला मिळतात. ओके. हे या ठिकाणी कॉमन हे बघायला मिळतात, पण एक रिअरली बघायला मिळतात, पण हरिण सांबर हे कॉमन बघायला मिळतं. ओके. रात्रीचं काही हे नाही ना प्रॉब्लेम की कोण बिबटे आला या फिर वाघ आला काही? ते काही असं नाही, एवढं असं नाही आहे, पण आपण काय जंगलाच्या थोडंसं बाहेर आहोत, आतमध्ये जंगल आहे त्या साईडला मिळतात बघायला. ओके ओके ओके. आणि इथे किती किती प्रकारचे प्रॉपर्टी आहेत आपल्याकडे? आमच्याकडे टोटल 16 कॅटेगरीच्या रूम्स आहेत. अरे बाप. त्याच्यामध्ये डिलक्स हट्स आहेत. ओके. एक्झिक्युटिव्ह सूट आहेत, एक्झिक्युटिव्ह कॉटेज आहे, एक्झिक्युटिव्ह बंगलोज आहे. ओके. त्याच्यानंतर डिलक्स हट्स आहे. ओके. डिलक्स रूम आहे, बंगलो आणि वरती काही रूम्स अशा पद्धतीने 16 कॅटेगरीच्या डॉर्मेटरीपासून सगळ्या कॅटेगरीच्या रूम्स आहेत आपल्याकडे. ओके. आणि ह्यांचे प्राईस रेंज कसे आहेत? नॉर्मली 2500 up to 9000 पर्यंत आहे. 9000 पर्यंत. जो सेक्शन आहे तो कोणता सेक्शन? 9000 चा बंगलो आहे. ओके. त्याच्यामध्ये 2 बेडरूम 1 हॉल तुम्ही बघितला असेल, त्यामध्ये त्याला एक लिव्हिंग दिलेलं आहे. येस. म्हणजे 2 फॅमिली आणि मोठी मुलं असतील तर ते त्याच्यात अकोमोडेट होऊ शकते. ओके ओके. सगळ्यात एक्स्ट्रीम टोच आहे. हो. त्याच्यानंतर खाली जे काही व्हरायटीज ऑफ प्रॉपर्टी आहे. हा. आता त्याच्या खाली हे आता कन्स्ट्रक्शन मध्ये आहे. ओके. तर तेवढे 2 महिन्यामध्ये कम्प्लीट होतील आणि अगदी त्याच्याविषयी अपग्रेडेड होईल. आपल्याकडे किती आता बंगले आता रेडीमध्ये? 50 सध्या रेडी पोझिशन मध्ये आहे बंगले का? फक्त सगळ्या कॅटेगरीज अकोमोडेशन आणि त्याच्यामध्ये अजून 6 इन्व्हॉल्व होतील एवढ्या मध्येपर्यंत होतील. ओके. आणि इन्व्हॉल्व इथं किती जणी येऊ शकतात एका टाइमला राहायचं असेल तर? 150 लोकांची कॅपॅसिटी आहे. ओके. आणि तशी म्हणजे ही परफेक्ट अरेंजमेंट आहे. ओके. त्याच्यामध्ये 25-30 सहज अकोमोडेट होतात एक्स्ट्रा पर्सन म्हणजे बेड बेडिंग टाइम. आणि पार्टी वगैरे काय ऑर्गनाईज करायची असेल काही कसं असेल तर? हो, भरपूर कॅटेगरीच्या. आता रिसेंटलीच 15 दिवसापूर्वी आमच्याकडं गोवर्धनचा इव्हेंट झाला होता. ओके. त्याची ऑफिशियल टूर होती, तर त्या ठिकाणी सेमिनार बाहेर इव्हेंट वगैरे सगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम झाले होते आणि ते घेऊ शकतो आपण काय अडचण. ओके ओके. आणि ते असं काही सेफ्टी वगैरे एकदम प्रॉपर आहे ना? 99% नाईट वॉचमॅन वगैरे सगळ्या पद्धतीची सिक्युरिटी वगैरे आहे. ऑल राईट. बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून मला. इथे काही आजूबाजूला अजून फिरण्यासारखं आहे का? इथे काही कोंडवलचं एक फॉरेस्ट आहे. ओके. जे आता सध्या पाणी नाही आहे, आता म्हणजे पावसाळा सुरू व्हायचा आपण महिन्याच्या अगोदर आहोत म्हणून. ओके. साधारण महिन्यानंतर तो वॉटरफॉल चालू होईल. पाऊस चालू झाल्याच्या नंतर भरपूर मोठा भीमाशंकर मधला सगळ्यात मोठा वॉटरफॉल. ओके. त्याच्यानंतर जे कोंडवल फॉरेस्ट आहे तिथे इंडियन जँग स्क्वेअर आहे, त्याला शेकरू म्हणतो आपण. ओके. त्याच्यासाठी जे रिझर्व केलेलं जंगल आहे ते बघायला मिळतं त्या ठिकाणी. ओके. आणि भीमाशंकर तर आहे, भीमाशंकर मंदिर आहे, नागफणी पॉईंट आहे. ओके. त्याच्यानंतर गुप्त भीमाशंकर आहे, भाकादेवी सारखं एक फॉरेस्ट आहे. या सगळ्या फॉरेस्ट मध्ये फिरता येतं, लोकल गाडी घेऊन फिरता येतं. इन्फॉर्मेशन था ये ब्लू मॉर्मन रिसॉर्ट का. जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए रहेगा, मैं इनका नंबर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. जो भी रेट्स वगैरह रहेगा आप इनसे बात कर लेना. बार्गेनिंग काय होऊ शकते रेट्स मध्ये वरती खाली का फिक्स रेट्स आहेत आपल्याकडे? सॅटरडे संडे मोस्टली सेम रेट असतात, इतर दिवशी आम्ही थोडेसे ऍडजस्टमेंट करून देऊ शकतो. ओके. सो सब कुछ ऍडजस्टेबल यहाँ पे, आप बस आइए यहाँ पे कॉल कीजिए. बहुत सुंदर रिसॉर्ट है जैसे कि आप देख सकते हो अभी. एंड ऑलराइट, इसी के साथ अभी हम लोग बाकी का रिव्यू करते धीरे धीरे. थैंक यू इन्फॉर्मेशन देना बदल. ऑलराइट, मिलते हैं फिर. ये इनका सबसे पहला कैटेगरी है हट सेक्शन. यहाँ पे अभी 3 प्रॉपर्टी एक जगह पे यहाँ पे
चलिए चलते हैं अंदर से, पहले एक्सप्लोर करते हैं कि ये हर्ट सेक्शन कहाँ पे है, आपको एग्जैक्टली अंदर से क्या क्या ऑफर कर पा रहा है ये। एंड चलिए हमारे लिए एक हमारे साथ एक बंदा भी है जो दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6 प्रॉपर्टीज है एक जगह पे हर्ट्स के। चलिए चलते हैं अंदर से कैसे दिखता है ये कुछ उसका एंट्रेंस है। यहाँ पे मस्त आप पार्टी कर सकते हो बैठ के, आके आपके दोस्त रहेंगे फैमिली रहेंगे, यहाँ पे मस्त दारू वगैरह पीना रहेगा तो पी सकते हैं आराम से, मत पियो बट। और ये उसका एंट्रेंस है और ये उसका अंदर का रूम है, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत रूम है ये, मस्त एकदम बेडरूम है, एकदम मस्त बेडरूम ही है यहाँ पे, बस एक बेड दिया है एंड बाकी इनका इंटीरियर भी बहुत सही है, मस्त इन्होंने कवर भी दे दिया है, स्पेशियस है कवर बहुत ज्यादा। पीछे बालकनी है क्या? ओह मस्त बालकनी व्यू भी है यहाँ पे, बहुत सुंदर है भाई ये बालकनी का व्यू, बारिश में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा बारिश के टाइम पे यहाँ पे पूरा फॉग रहता है एंड बहुत खूबसूरत दिखता है ये। अभी तो आपको पूरा दिख रहा रहेगा कि ये ड्राई ड्राई हो गया है बट बारिश के टाइम पे हर जगह पे यहाँ पे ग्रीनरी रहता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। शॉर्ट एंड स्वीट मस्त है एकदम, दो लोग के लिए काफी कंफर्टेबल है ये एंड कोई कपल रहेगा या फिर दोस्त रहेंगे मैरिड लाइफ वाले जितने भी लोग रहेंगे मस्त उनके लिए सॉर्टेड ये जगह। चलिए चलते कोई और सेक्शन देखते हैं यहाँ पे और कौन सा प्रॉपर्टीज है। ये कुछ इनका एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टीज का लेन है, ये 6 प्रॉपर्टीज है एक ही जगह पे, इन्हें एग्जीक्यूटिव सूट्स ऐसा उन्होंने प्रॉपर्टी का नाम दिया है। सो ये कुछ देख सकते हैं मस्त एकदम 6 प्रॉपर्टीज, आप पर आके आपका कोई बड़ा ग्रुप रहेगा मतलब 20-30 अराउंड पीपल लोग का, मस्त 6 के 6 प्रॉपर्टी ले लो एंड मस्त यहाँ पे गाड़ी लगाओ, पार्किंग भी बहुत ज़्यादा इधर जगह दिया पार्किंग के लिए, खेल सकते हो कुछ भी कर सकते हो, अपना ही इलाका रह जाएगा ये। चलिए चलते हैं काम करते हैं अंदर जाके देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसा है। चलिए ये कुछ उसका एंट्रेंस है, ये उनका मेन लिविंग एरिया है, मस्त उन्होंने बैठने के लिए जगह दिया है, टीपो है मस्त, सोफा सेट है वगैरह, बहुत वुडन स्ट्रक्चर बहुत सही है यहाँ पे एंड ये है उनका मेन एरिया। बेडरूम बहुत सही बेडरूम है, बहुत बड़ा है एक्चुअली, जैसे कि नाम से आपको बोल रहे एग्जीक्यूटिव सूट वही प्रॉपर डिफाइन कर रहा है वो, मस्त सिटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, फ्रिज भी दे दिया है, मिनी फ्रिज दे दिया है, टीवी तो दिया नहीं है एंड ये कुछ उसका बाहर का व्यू है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है बट सही है, ज़्यादा कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है यहाँ का व्यू। यहाँ पे इन्होंने सबका सेम है, थोड़ा स्पेशियस है बस ये भी ज़्यादा। ये ऐसा कुछ था एग्जीक्यूटिव सूट का, अभी चलते हैं कि कोई और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम थोड़ा एक बड़े एरिया में आए जहाँ पे आपका कैपेसिटी है 10 लोग का या 12 लोग का एक ही साथ आपको एकोमोडेट करना है, तो ये सेक्शन उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा सेक्शन है जो बंगलो सेक्शन है, ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे 2 बेडरूम्स है और एक लिविंग एरिया, यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। उसके पहला कैटेगरी आता है एग्जीक्यूटिव कॉटेज करके, ये देख लेते कि ये कैसा है यहाँ पे, ये तो सिंगल फ्लोर है, ये तो भी डबल स्टोरी का ही है, यहाँ पे देख लेते कि ये प्रॉपर्टी कैसा है। चलिए नाम से तो एग्जीक्यूटिव कॉटेज बोल रहे, देखते कि इतना एग्जीक्यूटिव है कि नहीं। ओके, ये इसका लिविंग एरिया भी कह सकते हैं और बेडरूम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पहला एक बेड दे गया, सोफा सेट है मस्त एकदम, टीवी सेक्शन है यहाँ पे मस्त बैठ के आप चिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, ये उसका मास्टर बेडरूम है, थोड़ा बड़ा है एंड ये उसका कुछ बाहर का व्यू है, बहुत सही है, बारिश जब चालू हो जाएगा तब बहुत खूबसूरत दिखेगा एंड ये कुछ उसका वार्डरोब भी है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत लोग के कपड़े बैठ सकते हैं अंदर एक ही दिन के लिए। सो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव कॉटेज के हिसाब से थोड़ा बहुत तो उसमें है, थोड़ा अच्छापन है, सो बुरा ही नहीं कर सकता इस चीज के बारे में। सो चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि कौन सा है। थोड़ा चल, मेरा थोड़ा ये है इधर, पैसा नहीं इधर, सच बोल रहा। अरे चल ना यार, इतना क्या है। अरे ये रूम क्यों लॉक, ये रूम किसने लॉक किया अपना? मैंने किया। ये जो इंसान है, हाँ पानी तो पीना है ना, पानी का तो इसका मुंह पहले से खराब रहता है तो भी इसको धोने गए। चलो ये बंदे को बोला कि शूट कर ले मेरे बदले, एक्टिंग कर रहा है। चलो ओवर भाई, 2 मिनट दिया बस,
और बेचारा वो भी रुका। यो ब्रो, टेकिंग ओवर द व्लॉग, थोड़ा आराम करते हैं गाइस। चलो कॉटेज की तरफ आ जाओ। हमारे जो सर है थोड़े थक गए, अभी थोड़ा व्लॉग चेंज करने का मौका, चेंज तो करने का मौका मिल गया है और थोड़ा अच्छा चेहरा देखने का तुम लोगों को। चलो आ जाओ। वेलकम टू द नाइकी ब्लॉग्स गाइस, कम ऑन, आ जाओ। थोड़ा ये जो है ना एग्जीक्यूटिव कॉटेज, ये थोड़ा सबसे दूर है क्योंकि दिस इज द मेन थिंग एंड शॉर्ट एंड अंडरस्टूड बाय मेन पर्सन। आ जाओ। तुम लोगों को जो भी चीज़ें मेन मेन है वो मैं ही दिखाने वाला हूँ। आ जाओ। थोड़ा कैमरा मैन फास्ट चल गया। सिर्फ एंट्रेंस देख लो, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस तुम लोग देखोगे ये एरिया में, पूरे जितना भी है ना ये पूरे एरिया में एक ही एंट्रेंस है ये। आ जाओ भाई। आपका नाम क्या है? जीतू। हमारे जो भी दिखाने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द बिजनेस ये। थैंक यू भाई जीतू भाई। आ जाओ। बंगला बोलते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव बंगला। हाँ, ये देखो ये है एग्जीक्यूटिव कॉटेज। यहाँ पे एक छोटा सा किचन, मॉड्यूलर किचन बोलते हैं हम लोग इसको, बेस्ट किचन इन द बिजनेस है। तो यहाँ पे तुम लोग अपने जितने भी लोग हैं 10-12 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आ जाओ। ये हॉल हो गया हमारा, बेडरूम दिखाता हूँ। ये शानदार बेडरूम। हाँ हाँ हाँ, ऊपर दिखा दो ना, ऊपर क्या है, स्लैंडिंग पोजिशन में है, वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम्स इन द बिजनेस है। ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट हो रहा है तो सुनना करो भाई, बस चलो। आ ये और एक बेडरूम है। आ जाओ। ये बेडरूम की खासियत मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसमें है बाथरूम। आ जाओ। बाथरूम देखो, एकदम कंफर्टेबल बाथरूम है, फ्री में हैंड वॉश दिया और क्या चाहिए। चलो और एक खासियत है, हॉल में भी बाथरूम है, कभी सोचा है क्या? आ जाओ। कंफर्टेबल बाथरूम, दो लोग, तीन लोग, दस लोग रह सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, दो ही बाथरूम है बट एडजस्टेबल है क्लास। और मेन पार्ट जो मेरा एकदम फेवरेट है ये विला का, ये एग्जीक्यूटिव कॉटेज का, इज द मेन एंट्रेंस। यहाँ पे चिल मार सकते हैं रात को, कुछ भी लगा के, कुछ भी बैठ के, पूरा शेगड़ी वगैरह लगा के आप बैठ सकते हैं, बॉनफायर इन बेटर वर्ड्स। आ जाओ। और एक खासियत बताते हैं, मैं अभी इधर एक 10 बार आ चुका हूँ। मेरा ये जो गो टू प्लेस जो बोलते हैं ना, जो मेरा फेवरेट जगह है, यहाँ पे बैठ के ये मौसम एंजॉय करना, क्या जगह है। आप सिर्फ व्यू देख लो, यहाँ से टू गुड व्यू। अभी तो हम लोग बारिश में भी आएंगे कभी, क्योंकि बारिश अभी हो नहीं रही है तो अपन करा भी नहीं सकते बारिश को। हम लोग आए बारिश में, बेस्ट व्यू, बेस्ट। ऐसे लोग चलते भी रहते हैं आजू बाजू इधर बारिश। उसको देख, उसको देख। अरे अरे उसका उंगली देख ना, उधर उंगली देख, कैची वे मारा ना भाई। नहीं नहीं, बराबर कर रहा है, गुड, यस, नाइस वन, नाइस वन, फर्स्ट टाइम मेरा आज बोल गया क्या, मुझे बोल ले, फर्स्ट टाइम मेरा आज मुझे जान दे। Yeah.
ये किधर लगा रहे थे? अबे ऐसे नहीं लेने का, रुक रुक रुक। उधर ही ऊपर पकड़ा, हवे में पकड़। देख ला पूरा स्टिक तो लाइट है इधर तक। अबे ये टच हो गया भाई। धरन साले इतना पास लेता, उसके काम करना पप्पी देते ना। देख ना यश, ये यश ऐसा मत कर यार प्लीज। आज सीखा तो अभी जाएगा तेरा, अभी जाएगा तेरा, कुछ तो जाएगा यार। उसका उंगली देख ना।